फियर, अनसर्टेनिटी और लॉकडाउन, इन सब के बीच हमारी जिंदगी अभी घूम रही है और ऐसे में कोरोना वायरस के साथ साथ साइबर फ्रॉड का वायरस, इससे भी आपको सावधान रहना है क्योंकि जब हम घर में बैठे हुए हैं इंटरनेट का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। और आपको कैसे सावधान रहना है इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, इन सब के एक्सपर्ट जो कि साइबर से जुड़े कानून को बनाने में भी बहुत ही एक्टिव भूमिका निभा चुके हैं, पवन दुग्गल जी। आपसे बेटर और कौन हो सकता है, मुझे ये बताइए। रोज से ट्रैफिक गायब है लेकिन इंटरनेट पर ट्रैफिक का ओवरलोड हो रहा है और ऐसे में साइबर थ्रेट जो है काफी बढ़ जाता है कि हमारी साइबर सेफ्टी जो है इट मस्ट बी एट स्टेक सर। यू आर बैंग ऑन टारगेट। आज हम सबकी जिंदगी में जहां इंटरनेट एक सेंट्रल रोल ले चुका है, वहां दूसरी ओर साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक ग्रीन फील्ड, एक नई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो हम लोग इंटरनेट पर जा तो रहे हैं और उसको फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स भी इस बात को लेकर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेट पर जा रहे हैं, आपको टारगेट जरूर करना है। बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करने से बहुत सारी साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां सामने नजर आती हैं और साइबर क्राइम्स तो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे आया है जो अमेरिका का है, जो कहते हैं कि केवल मार्च के महीने में 400% इजाफा हुआ है कोरोना वायरस रिलेटेड फ्रॉड्स को लेकर, और भारतवर्ष में तो इसकी जो गिनती होगी कहीं ज्यादा होगी। हालांकि कोई साइंटिफिक फिगर्स हुए नहीं है, क्योंकि आज जब डर का माहौल है, फियर पैनिक है, तो हर व्यक्ति कहता है कि मुझे जो जानकारी मिले चलिए मैं सबको भेजता हूँ, जो लिंक आए चलिए क्लिक करता हूँ, कोई अटैचमेंट आए चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ। द मोमेंट आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सिस्टम को, अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम में एक मैलवेयर आ जाता है, एक कंप्यूटर रैंसमवेयर आ जाता है जो आपके डेटा को संपूर्णतः इम्पैक्ट करता है। तो मुझे लगता है ये जहां एक और वो युग है जहां पर भारतवर्ष कोरोना वायरस से लड़ने का प्रयास कर रहा है, वहां दूसरी ओर ये साइबर क्राइम के बढ़ते हुए अवतार का रूप भी है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम इस बात को लेकर अवगत हो जाएं और जितनी जल्दी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उतना ही मुझे लगता है हम अपने आप को ज्यादा अच्छा सर्व कर पाएंगे। मतलब सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, सावधान रहना बहुत जरूरी है। और मैं एक डेटा ये भी पढ़ रही थी कि होम मिनिस्ट्री ने कहा कि 86% जो है वो कंप्लेंट्स इंडिया की होम मिनिस्ट्री कह रही है 86% कंप्लेन हो रही है। वैसे पवन जी, आपने वो खबर देखी कि नहीं, ताजमहल का टेंडर तो निकला कि नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का टेंडर साइबर क्रिमिनल्स ने निकाल लिया है, देखिए आपने वो खबर या नहीं, $4 बिलियन का टेंडर, ये कहते हुए कि उसकी प्रोसीड जो है कोरोना वायरस के इलाज और खर्चों में जाएगी गुजरात में। डिड यू सी दैट? जी हाँ, इनफैक्ट आजकल बड़े इनोवेटिव तरीके आ गए हैं ये साइबर क्रिमिनल्स के, और खासतौर पर अब तो क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, फंड एकत्रित हो चुके हैं, तो इसलिए लोगों को अब ये नए नए प्रकार के मन लुभावने ऑफर्स आते हैं कि चलिए आप पीएम केयर फंड के ऊपर आपने एक डोनेशन देना है, यहाँ क्लिक करिए। अधिकांश लोग जो इसको ध्यान से नहीं देखते हैं, पाते हैं कि वो दूसरी साइड पर, दूसरे फंड पर चले जाते हैं, उनके पैसे अक्सर निकल जाते हैं। बहुत बार तो अब ये भी होता है कि आपको कहा जाता है कि चलिए अब WHO आपसे मदद मांग रहा है, तो कृपया अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स दे दीजिए और बता दीजिए कि कितने पैसे आपके अकाउंट से जाएं, ताकि वो हम लोग कोरोना वायरस की लड़ाई के बरखिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे कोई भी मन लुभावने वाले ऑफर्स में या आपके दिल को मूव करने वाले ऑफर्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये नए नए तरीके हैं। अल्टीमेट उद्देश्य एक है, वो ये कि आपकी जेब से पैसा निकालना है, आपके डेटा को चुराना है और आपको नुकसान पहुंचाना है। अगर आप उस उद्देश्य को समझ रहे हैं, बताया जाता है आपको, वहाँ एक तरह से आपको बुलाया जाता है ये ट्रैप बिछा करके। इसीलिए पीएम केयर फंड के भी कुछ 9000 के आसपास कंप्लेन गए हैं कि फ्रॉड अकाउंट्स में पैसे गए हैं। तो बहुत ही सही पवन जी की पहली टिप मुझे लगता है यही है कि ये जो मन लुभावन आपको दिखाया जाता है ना कि यहाँ या आप तो जाएंगे मदद करने की नियत से, लेकिन अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम काफी ट्रेंड भी कर रहा है सोशल मीडिया पर, WFH स्टाइलिश है, अच्छा लगता है, सब लोग अपनी फोटो डाल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में, लेकिन इसमें खतरे भी कई हो सकते हैं। बहुत सारे खतरे हैं भारतवर्ष में। कारण ये है कि एक तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर कोई कानूनी प्रावधान या कानूनी फ्रेमवर्क भारतवर्ष में नहीं है,
दूसरी बात, भारतवर्ष में साइबर सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है और ना ही कोई आपके पास लॉ है डेटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी को लेकर। तो जब आप ऑलरेडी एक वैक्यूम में के दौर में गुजर रहे हैं और तब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि वर्क फ्रॉम होम के साथ बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी और साइबर रिलेटेड इश्यूज जुड़े हुए हैं। पहली बात, अधिकांश लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं भूल जाते हैं कि जब वो घर पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको उनके ऊपर कंपनी का डिसिप्लिन लागू नहीं होगा। तो आपको एक एम्प्लॉय होने के नाते कंपनी के डेटा को उतनी ही सम्मान, उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जितना आपकी नॉर्मल कंपनी के ऑफिस में देते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोचें कि चलिए मैं कंपनी के डेटा को कॉपी कर लेता हूं, किसी और को बेच दूंगा, तो मुझे लगता है वो कहानियां अब आपको खत्म करनी होंगी, क्योंकि कंपनियां आपको टारगेट भी कर रही हैं। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जब इस कानून का अभाव है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि जब ये दौर खत्म होगा, तब उसके बाद एक नया साइबर युग का प्रारंभ होगा और उस युग में मुकदमेबाजियां बहुत बढ़ने वाली हैं। तो ना केवल अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो आपकी कंपनी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप जितना ज्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी पर देंगे, उतना ही आपके लिए आपकी कंपनी के लिए बहुत बेहतर होगा और कुछ अगर आप केयरफुल सजेशंस या टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा सिक्योर हो पाएंगे। एक कई सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पवन जी जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, उसमें से एक है जूम, और जूम के जो सीईओ और फाउंडर है एरिक, उन्होंने खुद माफी मांगी है ये कहते हुए कि हमारे ऐप में जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर इशू है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। जूम बॉम्बिंग, जिसमें कि कोई भी बाहर वाला किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में घुस करके कुछ भी आपत्तिजनक जो है वीडियोस और पिक्चर्स चला रहा था, क्लासरूम्स जो है जूम पर हो रहे हैं तो बच्चों को डर था कि वो एक्सपोज हो जाएंगे कुछ ऐसे अनवॉन्टेड मटीरियल के। तो अब सीईओ खुद माफी मांग रहे हैं, यानी कि इवन दे वर नॉट सो प्रिपेयर्ड। एंड अगर आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज कर रहे हैं, आपको अपने एंड पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि आज ये दौर ऐसा रहा है कि लगभग हर आदमी अनप्रिपेयर्ड रहा है। तो जब ये एप्स लाइक जूम भी पिछले कई सालों से थी, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का युग आएगा कि एकदम सारे लोग अक्सर उनकी ऐप को इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा जो फोकस उनको करना चाहिए था प्राइवेसी या साइबर सुरक्षा को लेकर, वो उन्होंने नहीं किया। तो एक उपभोक्ता होने के नाते, यूजर होने के नाते, अगर आज आप कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो तीन चीजों का ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। पहली बात, इन चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लें। ये मत समझें कि ये ऐप, क्योंकि आज लॉकडाउन का टाइम है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग बिल्कुल हमारे डेटा को सुरक्षित रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर ऐप को इस्तेमाल करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार नजर डालने, देखने के लिए कि वो किस तरीके से आपके डेटा को सुरक्षित करने वाले हैं। उसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको काफी हद तक कहानी बताएगी कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है या नहीं, कितना प्राइवेट है या नहीं। दूसरी बात, अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो कोई आप कॉन्फिडेंशियल जानकारी के बारे में ज्यादा ज्ञान ना दें, क्योंकि हो सकता है ये ऐप की रिकॉर्डिंग्स कहीं जगह ना कहीं उस पर सेंध लगाई जा सके और ये पब्लिक डोमेन में मिल सके। ऑलरेडी एक खबर आई है कि कई मिलियन जूम रिकॉर्डिंग्स जो हैं अभी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैकर्स ने उपलब्ध करा दिए, और वो ना केवल नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हैं बल्कि सरकारी कॉन्वर्सेशंस भी हैं और कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है। तो आप इनको फॉर ग्रांटेड ना लें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है जब भी आप इन एप्स के साथ कनेक्ट करें, तो कोशिश करें एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन का इस्तेमाल करें, ताकि जहां तक हो सके आप अपने डेटा को और डेटा ट्रैफिक को काफी हद तक इनक्रिप्टेड रख सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात, साइबर सुरक्षा को हिस्सा बनाइए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर आप सोचें कि जिम्मेवारी इस वीडियो ऐप की रहेगी कि आपके डेटा को सुरक्षित रखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करें कम से कम आप एटलीस्ट ऑनलाइन जाकर विभिन्न ऐप्स की कंपैरेटिव एनालिसिस देख लें कि कौन सा ऐसा ऐप है जो आपको ज्यादा सुरक्षा दे रहा है आपके डेटा को लेकर, आपकी प्राइवेसी को लेकर। जितने जागरूक आप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और जहां तक हो सके अगर आप नॉन वीडियो ऐप्स का इस्तेमाल करें जो इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्शन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सिग्नल हो गया या टेलीग्राम हो गया, तो वो इन वीडियो ऐप्स के मुकाबले में ज्यादा सुरक्षित भी होंगे और काफी हद तक आपकी जो डेटा है और आपकी निजता है दोनों को ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पवन जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे को खुद अपना फोन दूंगी कि तुम गेम खेलो, या उसे मैं लैपटॉप दूंगी कुछ समय के लिए,
देना पड़ रहा है, बच्चे पूरे समय घर में हैं, काफी लंबे समय से, और लग रहा भी तो समय और भी बिताना पड़ेगा। बच्चे जब जा रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए आप, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? अगर आज आपका बच्चा है और ऑनलाइन जा रहा है, तो मुझे लगता है पहली बात आप बच्चे के साथ हार्ट टू हार्ट बात जरूर करेंगे। एक तो उसको दोस्त बनकर, माता पिता बनकर नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों को ऑलरेडी लगता है कि आप मेरे पेरेंट्स हो, आपको कुछ नहीं पता और हमें बहुत कुछ पता है। तो जब इस थॉट प्रोसेस से नई जनरेशन आ रही है, तो उसको दो मिनट बैठ के एक दोस्त होने के नाते समझाना पड़ेगा कि बेटा ये लॉकडाउन का जमाना है, हम आपको एक्सेस तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस एक्सेस के दरमियान बहुत सारे पीडोफिल्स हैं जो आपको टारगेट करेंगे। उनको कहीं ना कहीं जो रियलिटी है उससे अवगत कराना पड़ेगा कि बहुत सारे अब साइबर क्राइम्स खास तौर पर बच्चों के विरुद्ध होने लग गए हैं इस कोरोना वायरस के युग में। हाल ही में ITU ने एक वेबिनार किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और इसलिए दायित्व बनता है ना केवल पेरेंट्स का बल्कि फैमिलीज का भी, ताकि वो बच्चों को एटलीस्ट सही बात बताएं। वो जमाना चला गया कि चलिए हम बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे, आज उनको बताना पड़ेगा कि अब जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट, जरूर करिए, लेकिन सावधानी से करिए और कुछ ऐसा सुराग ना छोड़ जाइए जिसका इस्तेमाल हो जाए और आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो इम्पैक्ट हो सके। कहीं ना कहीं उनको एम्पावर करने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम उनको साथ बैठ के होलिस्टिक पिक्चर देंगे तो काफी हद तक मुझे लगता है आप उन्हें एम्पावर कर पाएंगे। और ये इनको फीलिंग नहीं देनी है कि हम आपकी हर इंटरनेट एक्सेस को मॉनिटर कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, नहीं, हम सेंसर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एम्पावर करेंगे, आपको बताएंगे बेटा क्या क्या जगहों पर आपने जाना है, क्या नहीं जाना है, किन किन एप्स का आपने इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप हमारे बच्चे होने के नाते सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार और हमारा संपूर्ण फैमिलियल डेटा जो है वो भी सुरक्षित हो पाएगा। हार्ट टू हार्ट टॉक की जरूरत है। पवन जी ये बताइए, अगर ये फ्रॉड हो ही जाए, कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो ही जाए, ऐसे मेल के लिंक पर क्लिक कर दे या किसी फंड में डोनेट कर दे, डेटा कितना सुरक्षित है, ये तमाम सवाल है, इसकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं कंज्यूमर एट दिस पॉइंट? आई फील व्हेन द एंटायर नेशन इज कॉट अप विद दिस, फाइटिंग विद दिस वायरस, एट दिस पॉइंट रास्ते हैं या मतलब आप गए, आपका काम तमाम अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं है कि आपका काम तमाम है। आज इस लॉकडाउन के दरमियान ये बात सही है कि सरकार का मुख्य फोकस इस महामारी से लड़ने के लिए है, लेकिन अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो केंद्रीय सरकार ने एक नए पोर्टल का गठन किया है, उसका नाम है cybercrime.gov.in। वहां पर जाके घर बैठे ऑनलाइन ही आप शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस किसी भी राज्य में या सिटी में हैं, अपनी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर भी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं। मसलन अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली पुलिस आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जो आपको एक लड़की होने के नाते या एक बच्चे होने के नाते टारगेट किया कर रही है, तो कहीं ना कहीं हेल्पलाइंस हैं, द नेशनल कमीशन अगेंस्ट फॉर वुमेन, उनकी हेल्पलाइंस पर भी जाकर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आज के दौर पर आपने चुप नहीं बैठना है, आपने रिपोर्टिंग जरूर करनी है। रिपोर्टिंग करने का सीधा बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एविडेंस हो जाएगा, ताकि बाद में अगर इस तरह की इवेंट या साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी दोबारा होती है तो एटलीस्ट आपके पास सबूत है कि आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप एक अच्छे विकेट पर रहेंगे। तो इसलिए चुप नहीं बैठे, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि साइबर क्राइम किसी प्लेटफॉर्म से उत्पन्न हो रहा है तो उस प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर को भी आपने लिखित में शिकायत करनी है। मसलन अगर आपके खिलाफ अब्यूज किया जा रहा है फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर भी अब्यूज सेक्शन में जाकर आपने रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि अब तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी निकाल रखा है जिसमें तमाम सारी सोशल मीडिया कंपनीज को ये हिदायत दी गई है, एडवाइजरी दी गई है कि आप कोशिश करें कि आपके यहाँ फेक न्यूज ना हो, क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, और जब जब लोग रिपोर्ट करें तब आप तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करें। तो आपके पास रेमेडीज हैं, घर बैठे भी इस लॉकडाउन पीरियड में आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एटलीस्ट बड़ी पुरानी कहावत है, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझे। चलिए आज साइबर क्राइम हो भी गया और शिकार हो भी गया, ऐसा नहीं है कि लाइफ आज खत्म होने वाली है। उससे मैं जो सीख सकता हूँ ताकि आने वाले समय में
मैं अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेसन होगा। पवन जी, आखिर में पवन दुग्गल का मंत्र क्या है, जब अभी इंटरनेट का आप इस्तेमाल खूब कर रहे हैं, तो फ्रॉम द एक्सपर्ट्स माउथ आई वांट टू नो योर मंत्र। वेल, माय मंत्र इज प्लीज डोंट टेक इंटरनेट फॉर ग्रांटेड। इंटरनेट इज अ पैराडाइम दैट नेवर स्लीप्स एंड नेवर फॉरगेट्स। तो इंटरनेट पर जो कुछ भी आप चीज कर रहे हैं उसके पदचिन्ह आप छोड़ते जा रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए और कोशिश करें कि इंटरनेट पर आप कोई ऐसी चीज को या जानकारी को प्रकाशित ना करें जब आप किसी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, क्योंकि चांसेस हैं उस टाइम पर आपका मानसिक संतुलन उतना सही नहीं होगा और एक बार तीर चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि सरकार और कंपनियां या एप्स आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगी, जिम्मेवारी आपने लेनी है। इसलिए साइबर सुरक्षा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, एक वे ऑफ लाइफ बनाएं साइबर सिक्योरिटी को, और मोर इंपॉर्टेंटली हमेशा ड्यूली डिलिजेंट रहें, कॉशियस रहें, केयरफुल रहें। जितना आप नॉर्मल केयर एज अ रीजनेबल पर्सन कर पाएंगे उतना ही केयर आपको बेनिफिट करेगी आने वाले समय में, ताकि आपको इंटरनेट के जो इल इफेक्ट्स हैं, जो रॉन्गफुल इंपैक्ट्स हैं, वो आपको ना पहुंच सके। थैंक यू सो मच पवन जी मुझसे बात करने के लिए। आई होप हमारी इस कॉन्वर्सेशन का फायदा लोग उठा सके और जागरूक हों और सेफ्टी को जो है नंबर वन पोजीशन पर रखें। थैंक यू पवन जी। थैंक यू।